गिरिडीह शहर में स्थित उसरी नदी, जो कि शहर की काफी लोकप्रिय नदी है और आस्था का केंद्र भी है। यूं तो अभी की बात करें तो गिरिडीह में हो रही भारी बारिश की वजह से इस नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आस्था का केंद्र होने के बाद भी इस नदी की स्थिति गर्मी के दिनों में काफी खराब हो जाती है। हल्की गर्मी में भी इस नदी का जलस्तर इतना कम हो जाता है कि नदी में सिर्फ नालियों का पानी ही दिखाई देता है। इस नदी में बालू उठाव की वजह से पानी का ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण नदी सूख जाती है। सफाई की बात करें तो लोग इस नदी में अपने घरों के नालियों के पानी का बहाव करते हैं। लोग शौच भी इस नदी के समीप करने जाते हैं, जिससे इस नदी का पानी बहुत ही दूषित हो चुका है। इस नदी में जगह जगह पर महापर्व छठ को लेकर लोगों का महाजुटान होता है। आस्था का महापर्व छठ पूजा के समय जहाँ भी अर्घ दी जाती है, उस जगह इस नदी की सफाई की जाती है, लेकिन जैसे ही यह पर्व समाप्त होता है, नदी का हाल वापस से वही पहुंच जाता है। लेकिन इस नदी के सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस नदी को सौंदर्यकरण की बहुत आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह नदी प्रकृति के छांव से दूर हो जाएगी। और इस नदी की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नदी को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि उसरी नदी की सफाई को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विष्णु स्वर्णकार। आज हम बात करने वाले हैं गिरिडीह शहर की प्रमुख नदी के बारे में, जो कि उसरी नदी के नाम से जानी जाती है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले नदी की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है, उसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता रामजी यादव जी से, जो कि उसरी बचाओ अभियान में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। उसरी नदी अगर देखा जाए तो एक समय में यहाँ के लोगों के लिए सुधार शाम पानी खाना पीना सब चीज़ को लेकर उसरी नदी का पानी का प्रयोग किया जाता था। आज से 25-30 साल पहले जो भी तटीय क्षेत्र पर रह रहे हैं, उसरी नदी के किनारे जितने भी आप लोग रह रहे थे, उस समय बस्ती को बस्ती हुआ करता था। आज भी है, पक्के मकान बन गए हैं। लगभग लोग उसरी नदी का पानी से ही अपना खाना पीना सारा काम करते थे। धीरे धीरे अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि बरसाती नदी के रूप में बढ़ते चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण है क्या, जिस प्रकार से खनन यहाँ पे हुआ है, जब देखा जाए तो नदी पहले के स्वरूप में और अभी में लगभग 20 से 22 फीट का अंतर आया है गहराई। पहले का नदी का लोग पैदल भी पार कर लेते थे आसानी से कहीं भी, लेकिन अभी का स्थिति ये है कि जो नया पुल बना है, या तो अर्घाघाट का हो या परगंडा का हो, दोनों जगह का जो नीचे का जो पिलर है, जो बेस तक का बालू को लूज लिया गया है। मतलब एक तरह से खनन माफियाओं के कारण आज पानी नहीं रुक पा रहा, वो खनन माफियाओं का ही देन है। जब बालू नहीं रहेगा तो नदी में ऑलरेडी पानी आएगा और निकल जाएगा, मतलब बहता हुआ नदी हो गया। आज के समय में जो नदी कल का लोगों के लिए जीवन रेखा थी, आज बहता हुआ नदी हो गया। बरसात आया, पानी आया, और बरसात जाते ही पानी खत्म हो जाता है। आज जो भी नदी में पानी बह रहा है आज के समय में, आप लोग देखते होंगे बरसात खत्म होने के बाद पूरा काला काला जो बहता है, वो पूरा नदी नली का रूप लेके बह रही है। जो भी नली का पानी शहरी क्षेत्र का है, वो सब नदी में ही जा रहा है। जैसा कि अभी आपने चर्चा किया था कि नदी को जो है कुछ माफियाओं के द्वारा जो है विकर्मन कर लिया जा रहा है, क्या इसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, सरकार को तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन क्या समस्या है इसके विषय में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, हमको उतना पता भी नहीं है। लेकिन अगर जो पक्का निर्माण कहीं पर हो रहा है तो लोकल प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए और NGT का नियमों का खास करके पालन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जितने भी शहरी क्षेत्र के नालियां हैं, उन नालियों को नदी तक का जो परमिशन बनाने का देते हैं, वैसे अधिकारियों उसे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नदी में पानी, नली का पानी, गंदा पानी दुकाने का आदेश आपको कौन देता है, वहां तक नली बनाने का आदेश आपको कौन देता है, वैसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। जब आस्था की जब आपने बात की ना कि अभी छठ पूजा वगैरह का जब होता है, जब आस्था का विषय भी हमारा है, उसके बाद भी घर का नली का मल मूत्र का पानी वहाँ तक जाता है और एक मतलब कोरी कल्पना के रूप में आप दिखाते हैं लोगों को सपना कि हाँ नदी हमारे से हमारा आस्था है, वैसा आस्था से कोई काम नहीं चलने वाला है। आस्था तब होगा जब पूरी तरह से सफाई के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा, मतलब सिर्फ छठ पूजा आएगा तो पूरा सफाई करेंगे, उसके बाद सो देंगे, वैसा नहीं होना चाहिए।